नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। बीती 9 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली से एक शर्मसार घटना सामने आई कि भारतीय संविधान को कुछ तथाकथित मनुवादी विचारधारा के लोगों ने जला दिया और इसका वीडियो एकदम सर्कुलेट हुआ और सब ने इस पर प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दी, लेकिन जिसे देनी चाहिए थी शायद उन लोगों ने नहीं दी। हमारी सरकार, केंद्र में बैठी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, ना ही कोई एक्शन लिया है। इसके अलावा जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस पर कोई भी खबर अपनी दिखाना मुनासिब नहीं समझा है। हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने इस पूरी घटना को कवर किया है, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इस घटना के खिलाफ उनकी भी आपने बात सुनी और जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं उस वीडियो को भी आपने बखूबी देखा है। तो FIR कराने कल लोग गए थे वहाँ पर उनके खिलाफ जिन्होंने ये संविधान जलाया है, तो उस मामले में हम जानना चाहेंगे कि अब तक क्या पुलिस की प्रतिक्रिया है और क्या पुलिस का कहना है कि क्या आगे कार्रवाई होगी। देखिए, दिल्ली की राजधानी में संसद मार्ग के महज कुछ ही दूरी पर ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बेहद ही शर्मनाक है हमारी सरकार के लिए, इस सिस्टम के लिए और सब उन लोगों के लिए जो संविधान के दायरे में आते हैं, संविधान की बदौलत वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन आज वो इसके खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं। आरक्षण विरोधी एक रैली हुई वहाँ पर, एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें जो है संविधान को जलाया, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये जो पूरा वाक्य हुआ इसका वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। उसके बाद में कल बहुजन समाज के कुछ लोगों ने, BSP कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग पर थाने में जाके उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR में उन लोगों के सबके नाम बताए हैं जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो इस तरीके से पुलिस ने वहाँ कहा है कि अभी जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इस तरीके से आश्वासन दिया जाता है। खबर आई है कि नहीं आई है? अभी कोई गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। पुलिस ने उस दिन कह दिया था कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। जिस संविधान की शपथ लेकर वो सत्ता में विराजमान हुए हैं और वही लोग ना तो इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और ना ही ऐसा, मतलब क्यों लग रहा है कि इस सरकार में हमारे संविधान को खतरा है? देखिए, ये मैंने उस वक्त ही कहा कि ये सब उन सब लोगों के लिए शर्मनाक है और वो अगर इस घटना पर नहीं बोल रहे हैं तो ये भी एक उनकी खामोशी जो है एक उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने ये इस तरह का कृतज्ञ किया है संविधान को जलाने का। सवाल ये है कि क्या इस सरकार में, BJP की सरकार में, मोदी सरकार में, इससे पहले भी हम संविधान की बात सुन चुके हैं। BJP के एक मंत्री ने, अनंत हेगड़े ने कहा था कि BJP सरकार सत्ता में आई ही संविधान को बदलने के लिए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र पर खतरा हम पहले कई बार सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने खुद बाहर आके ये बात कही थी कि लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसमें उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक ना होने की बात कही थी। और अब जो हाल में जो ये घटना आई है बिल्कुल सरेआम और देश की राजधानी में संसद भवन के कुछ ही दूरी पर ये संविधान जलाया गया, संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हमारे देश का किस कंडीशन किस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण है, क्योंकि देश की राजधानी में प्रोटेस्ट करना, बाबा साहब के मुर्दाबाद के नारे लगाना और संविधान को जलाना, मनुवाद जिंदाबाद के वो लोग नारे लगा रहे हैं। तो मैं फिर वही आऊँगा कि ये जो है एक पूरी सोची समझी एक विचारधारा है जिसे हम मनुवादी विचारधारा कहते हैं, वो लागू करना चाहते हैं ये लोग और उसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं, उसी के तहत ये संविधान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, संविधान को जलाया जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग मैसेजेस छोड़ रहे हैं और विरोध अपना जता रहे हैं, तो उस विरोध में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इस सरकार को विफल साबित कर रहे हैं वो इसलिए कि संविधान हमारा सुरक्षित नहीं है। और इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो वो एक नाम आगे रख रहे हैं कि अगर ये शासन जो है मायावती का होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से? देखिए, अभी अभी गाजियाबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ से एक खबर आई, वो लोग नारे लगा रहे हैं
कि जो सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर सकती वो सरकार निकम्मी है। तो सरकार पर तो साफ तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पूरा घटनाक्रम देश की राजधानी में हो रहा है, कहीं ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये सरकार का इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि क्यों अभी तक प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार का कोई मंत्री किसी का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इस घटना पर? देश का संविधान जला दिया जाता है देश की राजधानी में और सब खामोश हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया खामोश है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त पत्रकार कहते हैं वो आज खामोश हैं। हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर डिबेट करने वाले एक पर्टिकुलर एक वर्ग को आए दिन वो आतंकवादी कहते रहते हैं, पाकिस्तानी कहते रहते हैं, और आज जब देश उन्हीं के देश में देश के देशद्रोही गद्दार वो संविधान को जला रहे हैं तो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो साफ तौर पर है कि सत्ता और सरकार का संरक्षण है इन लोगों को। और दूसरी बात आपने कही मायावती की, तो मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जिस तरीके से उनके उनके शासनकाल उनके प्रशासन का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके की उनकी उनके कानून व्यवस्था रही है उनके राज में, उसकी विरोधी भी कहीं ना कहीं तारीफ करते नजर आ जाते हैं। तो क्योंकि मायावती एक गंभीर नेता है, एक सख्त प्रशासक हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मायावती अगर देश की कुर्सी पर देश की प्रधानमंत्री होती या तो शायद इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता है। क्योंकि जो लोग इन घटनाओं पर खामोश हैं, जो सरकार जो पार्टी अपने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, वो जो चाहे वो बोल देते हैं, जिसको चाहे वैसे बोल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि ये सब मिलीभगत और ये माहौल बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। 2019 भी करीब में है इस तरीके से, और जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो मायावती की अगर हम बात करते हैं तो मायावती हाँ एक सख्त प्रशासक और गंभीर नेता की उनकी छवि रही है। मायावती अगर इस तरह अगर मायावती के शासनकाल में होता तो शायद मैं समझता हूँ कि अब तक जितने ये लोग जिनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की खबर नहीं आ रही है वो सब गिरफ्तारी हो चुकी होती उनकी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि सरकार का ढीला रवैया इस तरह के असामाजिक तत्वों को जो है छूट दे रहा है ये सब काम करने की, संविधान जला देने की, जैसे इतने बड़े बड़ी घटनाओं को वारदातों को अंजाम देने की। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और वो सारी घटना के बारे में बताने के लिए, जो घटना वाकई इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे ही हम तक खबर पहुंचेगी उनकी गिरफ्तारी की, जिन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया।